बेहीनियां मचाने के लिए फिर से आ चुके हैं हम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और इस बार मैं एक पुराना हैंडीकैम लेकर आया हूँ सोनी का। ये बहुत पुराना है, इसके आधे से ज़्यादा एक्सेसरीज मेरे पास नहीं है। आज कंपैरिजन करेंगे कि जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसकी वीडियो क्वालिटी या फिर इस सोनी हैंडीकैम की। अपने टाइम का ये काफ़ी अच्छा था, वीडियो गियर था, इसमें 60x ऑप्टिकल जूम था और 2000x डिजिटल जूम, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो। तो मॉडल नंबर था इसका DCRSR68। अपने टाइम में मैंने बहुत यूज़ करा है इसको, बहुत घर के जो फंक्शंस वगैरह थे या फिर कहीं बाहर आउटिंग के लिए इसको बहुत यूज़ करते थे। 2009 में मैंने परचेज़ करा था और आज 2020 है, ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। देखो, स्टिल फोटोग्राफी में इसका कैमरा VGA मोड पे काम करता है और यहाँ पर ये दो मोड दिए हुए हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, वीडियो या फिर स्टिल के लिए, और ये रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है इसमें। इसकी जो सबसे खास बात थी कि इसमें फुल्ली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन दिया हुआ है, देखेंगे तो इसको इस तरीके से। तो मेरे को सिंपली बस यहाँ से ये रिकॉर्डिंग बटन चालू करना था और इसके बाद आप इसे घुमा के एज अ व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते थे, जो उस टाइम पे काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन था यूट्यूबर्स के लिए। मैंने यूट्यूबिंग अभी स्टार्ट करा है। यहाँ पर इसमें SD कार्ड के लिए ये स्लॉट दिया है, हालांकि इसमें इंटरनल इसका 80GB मेमोरी है इसका, बट अगर आप को सफिशिएंट नहीं है, मेमोरी फुल हो गया है, तो आप इसमें SD कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो कंपैरिजन चलता रहेगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो अभी आप मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड होते हुए वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो देखेंगे इस सोनी के हैंडीकैम से रिकॉर्डेड वीडियो। और अपने फ़ोन के अंदर मैंने माइक अटैच करा हुआ है, ये एक छोटा सस्ता यूट्यूबिंग का जुगाड़ करा हुआ है थोड़ा, तो इसमें मैंने माइक अटैच करा हुआ है। इसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन नहीं है, तो इस जो भी इस कैमरे से रिकॉर्डेड वीडियो की ऑडियो होगी वो इसके इंटरनल माइक से होगी। तो ऑडियो कंपैरिजन भी करेंगे, चलते हैं आउटडोर इसको टेस्ट करने के लिए। तो भी सही है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है इससे, और मैं व्लॉगिंग करने के लिए मैंने इसको अपने गोरिल्ला पॉड पे लगा लिया है, छोटे से सस्ते वाले पे। और अगर व्लॉगिंग करने के लिए इसमें स्क्रीन है, मैं उसमें खुद को भी देख पा रहा हूँ। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि वाइड एंगल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ कि अगर आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो पा रहा है अगर मैं सेंटर में अपने आप को रखता हूँ तो। पर लेकिन इसमें हाथ को मुझे पूरा स्ट्रेच करके रखना पड़ रहा है ट्राइपॉड लगाने के साथ साथ, और अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हूँ तो उसमें आप देखेंगे कलर ग्रेडिंग बड़ी थोड़ी सैचुरेटेड सी हो रही है, सैचुरेशन कुछ ज़्यादा आ रहा होगा। मैं धीरे धीरे अगर थोड़ा छाव में आता हूँ तो ये इतना होता है। और रही बात ऑटो फोकस की, अगर ऑटो फोकस अगर जैसे अभी सन मेरे सामने है, यहाँ से अगर मैं पीछे इसके लेके जाता हूँ तो ये देखिएगा थोड़ा डिस्टोर्शन आता है इमेज के अंदर। तो दोनों का वीडियो कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने अभी उस पर वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है, सैमसंग मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं। और जो ये वीडियो है ये सोनी के हैंडीकैम से रिकॉर्ड हो रहा है जिसको आप देख रहे हैं। तो दोनों की इमेज क्वालिटी में आप काफ़ी अंतर देख सकते हैं। अगर थोड़ा कुछ अभी जैसे मेरे को यहाँ पे ज़्यादा धूप में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सैमसंग वाले फ़ोन में स्क्रीन बैक साइड में है, मैं खुद को नहीं देख सकता हूँ, और इधर सोनी की स्क्रीन पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है स्क्रीन में देखने को, धूप में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर देखने में खुद को। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का इमेज क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम इसका जूम टेस्ट करेंगे, और तो अभी इसका जूम करते हैं, अभी इसको 60x तक लेके जाते हैं बहुत धीरे धीरे। अगर इसमें एक चीज़ है मैंने जो नोटिस करा है कैमरे को इतने टाइम से यूज़ करते हुए, कि अगर आप एकदम से जूम इन करते हैं तो ये अपना ऑटो फोकस खो देता है। देखिए काफ़ी दूर थी वो बिल्डिंग, अगर पानी की टंकी आप देख रहे हैं। मैंने अभी इसको ट्राईपोड पे सेटअप करा हुआ है तो इमेज थोड़ा स्टेबल है,
तो इसको सेटअप कर देते पानी की टंकी की तरफ। ये अभी ये पूरा 60x पे मूव नहीं हुआ है, ये अब अपना पूरा फुल 60x के ऊपर आ चुका है। अब इसको 2000x पे जो इसका डिजिटल जूम है उस पर एक बार टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा और दूर का शॉट लेने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई टू कैप्चर दैट टावर। अभी तक ये 60x पर है और ये 60x पर है यहाँ पर। अभी तक ये ऑटो फोकस पर है। अब मैं इससे अगर आगे बढ़ता हूँ एक पॉइंट भी तो ये अपना ऑटो फोकस खो जाएगा और 2000x का डिजिटल जूम चालू हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए थोड़ा फोकस में इसको प्रॉब्लम हो रही है और इमेज भी थोड़ी अजीब आ रही है अब इस टाइम पर। अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं आ रही है। 2000x जूम करा है हमने इसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे बताइएगा कमेंट में डाल के कि आपको वीडियो कैसी लगी, दोनों डिवाइसेस की वीडियो क्वालिटी में आपको क्या डिफरेंस लगा, आपको कौन सा बेटर लगा, और अगर कोई आज भी इस डिवाइस को यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जितने भी व्यूवर्स हैं अगर कोई देखता है इस वीडियो को तो मेरे को बताइएगा कि ये इस हैंडीकैम को क्या अभी भी कोई यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये 2020 के अंदर एज अ गुड व्लॉगिंग ऑप्शन हो सकता है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।